वैसे भाभी, आपको पता है आजकल हमारी डिपार्टमेंट की लड़कियों का लेटेस्ट क्रश कौन है? कोई नया फिल्म स्टार या क्रिकेटर? नहीं, रॉन्ग आंसर। कोई है जो लड़कियों को बहुत ही हैंडसम लगता है, एक ही बार हमारी यूनिवर्सिटी में आया और छा गया है। और तो और, लड़कियां इसके एक्सेंट के पीछे पागल है। कहती है, यार कितनी प्यारी उर्दू बोलता है, ये कहती हुई पाई गई है। और माय गॉड अमान भाई, वाकई? अच्छा, तो ये जनाब यूनिवर्सिटी में लड़कियों को इंप्रेस करके आए हैं। जी यार, तुम लोग खुदा को मान लो, मैं एक दफा गया हूँ बस एक लेक्चर देने। और आपके इस लेक्चर के आफ्टर इफेक्ट्स हफ्तों बाद भी आज तक लड़कियों को फील हो रहे हैं। वैसे मैं आप सबको बता दूं, हमारी डिपार्टमेंट की सारी लड़कियां तैयार हैं आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए। और तुम्हें इंटर्नशिप कहाँ करनी है? ऑब्वियसली भाभी अमान की कंपनी में। वैसे मेरी सारी फ्रेंड्स अभी से सिफारिशें कर रही हैं कि अपने साथ साथ हमें भी इंटर्नशिप में लगा देना एके ऑयल रिफाइनरी में। लीजिए, इसे कहते हैं हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। अरे भी पहले अमान से पूछ तो लो कि क्या तुम्हें उसकी कंपनी में इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं। खुद की खबर नहीं है और लगी है दोस्तों की इंटर्नशिप करवाने। क्यों अमान, आप नहीं देंगे मुझे अपनी कंपनी में इंटर्नशिप? देख लेंगे, एप्लीकेशन भेजो तो सोच रहे हैं उसके बाद। हाँ, सी आई टोल्ड यू कि पहले अपनी इंटर्नशिप करवाओ, उसके बाद दोस्तों की भी करवाती रहना। वैसे मुझे अभी ख्याल आया कि ये जो दावत हुई है, ये जो थाई खाना बना है, ये क्या मुझे ब्राइब करने के लिए तो नहीं था? हाँ मीन अमान। अच्छा, सॉरी, रिलैक्स, मजाक कर रहा था। वैसे अभी ख्याल आया कि शादी की तस्वीरें मैंने नहीं देखी हैं। अब समझ में आया कि मैं शादी पर आ नहीं सका, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसकी सजा क्यों दे रहे हो यार? प्लीज लेट मी सी सम फोटोज। अमान भाई, लैपटॉप में, बस लाती हूँ मैं। हाँ चलिए, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, तो ये मेरी कजिन है। हाँ। इस सोफे पे बैठी हुई, ये मामा की साइड की और ये पापा की साइड की। अच्छा, वेरी नाइस यार, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेल, भाभी अच्छी लग रही है, साकिब तुम्हारा तो नहीं पता। हाँ, मैं तो दुनिया का बुरा तरीन इंसान। कितनी तस्वीरें होंगी? कुछ 600-700। यार इतना टाइम तो नहीं है, ऐसे करना मुझे ईमेल कर दो।